गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट। आज मैं आपको सेकंड लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूँ, लेक्चर सेकंड की मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ। और इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला जो फैक्टर आता है जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो पहला फैक्टर आता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या देखें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है, तो हमने बच्चों एक रिएक्शन लिया, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, ये हमने एक रिएक्शन लिया। जब ये रिएक्शन लिया तो इस रिएक्शन के लिए पहला इफेक्ट जो था कंसंट्रेशन का ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट वाज डिस्कस्ड बाय लॉ मास एक्शन। वो लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा डिस्कस किया गया। लॉ ऑफ मास एक्शन एक लॉ थी जिसको दिया दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गुडबर्ग और दूसरे का नाम था वेग। गुडबर्ग और वेग। लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी। रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to molar concentration of A raised to power A into B raised to power B। यानी इस लॉ ने हमें जो बात बताई, इस लॉ से जो हम देख पा रहे हैं, हमने देखा यहाँ A का coefficient A था, तो A की power B A बन गई, B का coefficient B था, तो B की power B B बन गई। यानी कि law of mass action के बारे में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो कुछ भी हमें यहाँ दिखाई देता है coefficient के रूप में, वही power बन जाती है। It is a theoretical law। It is a theoretical law. हमें कोई रिएक्शन दे, मान लो रिएक्शन दे हमें कोई पीसर N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पर देखा नाइट्रोजन 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 6 तो 3। इस रिएक्शन के लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, ये जो रिएक्शन इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो R इज इक्वल टू K इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2, ये पावर 1 था और 1 कोएफिशिएंट 1 था, इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3। यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन से ये बात देखी कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल लॉ है जो डील करती है विद द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इससे आगे देखें यदि हम तो हमारे पास इससे हम थोड़ा सा और आगे चले, तो थोड़ा सा आगे भी हम चले तो हमने कहा कि रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल लॉ है। रिएक्शन था ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, इसके लिए रेट लॉ से हमने रेट लिखी आर दैट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए इनटू बी रेज टू पावर बी। थ्योरेटिकल लॉ थी जो हमें दिखाई दे रही थी, थ्योरेटिकल लॉ। यदि हम इस लॉ के ऊपर एक्सपेरिमेंटली बात करें, इस लॉ के ऊपर यदि हम एक्सपेरिमेंटली देखें कि एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, तो एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन के ऊपर हमें देखना चाहिए रेट के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली ये बात मिली कि आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर नॉट ए अल्फा इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बीटा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए
इनटू मोलर मतलब b रेस टू पावर बीटा, यानी कि यहां पर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट्स, अल्फा और जो बीटा थे दे आर एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट, अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट थे जिनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ही निकलती थी। अब ये जो रेट बनी r that is equal to k proportional to constant into molar concentration of k raised to power alpha into b raised to power beta, रेट लॉ से जो हमें मिली, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा मिली उसको हम कहते हैं रेट लॉ, दैट इज नोन एज रेट लॉ। रेट लॉ r is equal to k into a raised to power alpha into b raised to power beta, ये हमें रेट लॉ से डाटा मिली। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। लॉ ऑफ मास इज ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट, वेयर रेट लॉ इज ए एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट। यदि हम इस दोनों को और थोड़ा कंसेप्शन लाने की कोशिश करें, तो हमने एक रिएक्शन लिया बच्चों, एक रिएक्शन लिया और उस रिएक्शन में हमने कहा सपोज करो कि हमारे पास ये रिएक्शन है, टू एनओ टू गैस, टू एनओ टू गैस प्लस एफ टू गैस, टू एनओ टू गैस प्लस एफ टू गैस गिव्स टू एनओ टू एफ, टू एनओ टू एफ गैस। इसके लिए यदि हम दोनों से रेट लॉ से भी और लॉ ऑफ मास एक्शन से भी यदि रिएक्शन के रेट लिखें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से यदि हमने लिखा रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन से और रेट लॉ से, रेट लॉ दोनों से हमने यदि रेट लिखा, तो आर लॉ ऑफ मास एक्शन का रेट आर एट इज इक्वल टू के इन टू, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल लॉ है, थ्योरेटिकल लॉ है, थ्योरेटिकल का मतलब जो कुछ दिखाई दे रहा है वही लिखना है, आर एट इज इक्वल टू के इन टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ टू रेज टू पावर टू इन टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एफ टू रेज टू पावर वन। थ्योरी के अंदर इसकी कोफिशिएंट्स हमें यही दिखाई दे रहे टू और ये वन, तो हमने इसका लिखा टू इंटू वन। जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि वह रेट कैसे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि रेट आर दैट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ टू, एनओ टू ये टू था या लेकिन यहाँ पर पावर वन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब हम एनओ टू कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, इसलिए पावर वन के ऊपर डिपेंड कर रहा है इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एफ टू, एफ टू रेज टू पावर वन। ध्यान से देखें एक बार डिफरेंस को, ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो थ्योरेटिकल है, जो कुछ भी लिखा है कोएफिशिएंट वही पावर बनेगी। इसके अंदर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, यदि एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट से जितना रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वही पावर बनेगी। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट टू था लेकिन पावर वन के ऊपर ही डिपेंड करता था रेट, इसलिए वन, और ये क्या था सबसे बड़ा डिफरेंस रेट लॉ में और लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर, कि रेट लॉ जो है एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है और जो लॉ ऑफ मास एक्शन है दैट इज ए थ्योरेटिकल लॉ। यदि हम इससे आगे चले, इससे यदि आगे चले बच्चों, हमारे पास एक रिएक्शन हमने कंसिडर किया ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी कन्वर्ट्स इनटू, अब ये रिएक्शन हमने लिया और इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ से लिखूं रेट, रेट लॉ, रेट फ्रॉम रेट लॉ, रेट लॉ से रेट लिखू यदि मैं, तो रेट लॉ से रेट आपके पास आर प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर अल्फा इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बीटा, रेज टू द पावर बीटा। आर दैट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। ये के जो है दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इस के को हम क्या कहते हैं, ये के है रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है। यदि हम देखें इफ अल्फा इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1 यानी यूनिट, यदि ये 1 हो जाए तो आर दैट इज इक्वल टू के, आर किसके बराबर होगा के के। कोई पूछे रेट कांस्टेंट क्या है, तो रेट कांस्टेंट इज, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू कंसंट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशंस, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स
becomes equal to 1, yeah. Rate constant is equal to rate of reaction of reactants, so reactants becomes equal to unity hour. जब rate constant rate के बराबर हो जाता है, जब concentrations के reactant क्या हों, 1. इससे आगे देखें बच्चों, हमारे पास rate law से हमने कहा कि भाई इस reaction के लिए भी मैं rate law लगाऊं, तो rate law से हमारे पास rate law की expression आ गई, R that is equal to K into molar concentration of A raised to power alpha into B raised to power beta. R is equal to K into A raised to power alpha into B raised to power beta. Alpha or beta zone. Alpha and beta are experimental concept. Experimental concept. ये experimental concept है ये. Alpha or beta experimental value है. Experimental concept यानी value है. Experimental value है ये. और जब ये experimental value है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो हमें किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है. अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है. अब एक बच्चा कहता है सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हम देखेंगे इसको. अल्फा प्लस बीटा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, हम इससे आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन था ए मोल ऑफ ए प्लस, इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इसके लिए हमने रेट लॉ लिखा. रेट लॉ, रेट लॉ में हमारे पास आर आया, आर दैट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू पावर अल्फा इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट टू पावर बीटा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा. डिफाइन कर रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ध्यान से देखता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहा हूं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज द सम ऑफ पावर्स, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट ला एक्सप्रेशन. रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ला एक्सप्रेशन, ये पावर्स का सम है. सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट ला एक्सप्रेशन. रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर्स का जो सम है, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रेट ला जो है, रेट ला से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिला. तो रेट ला खुद अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है. यदि रेट ला अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, तो आपके पास बच्चों निश्चित बात यह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. Order of reaction is an experimental concept. Experimental concept. Order of reaction be experimental concept है. Rate law experimental है, order of reaction experimental concept है. अब यदि हम देखें कौन-कौन से order possible हो सकते हैं, तो order of reaction के बारे में कौन-कौन से order हो सकते हैं ये बात देखें. यदि हम ये बात देखने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से order of reaction possible है, तो order of reaction possibility of order of reaction अल्फा प्लस बीटा वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1. यदि अल्फा प्लस बीटा 1 है तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सेकंड, यदि अल्फा प्लस बीटा 2 है तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. अल्फा प्लस बीटा 0 है उस रिएक्शन को हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अल्फा प्लस बीटा 3/2 है तो उसको हम कहेंगे, इस रिएक्शन को हम कहेंगे 3/2 ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन. अल्फा प्लस बीटा n है उस रिएक्शन को हम कहेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन. बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट है. एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट यदि है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction can have any value like 0, 1, 2 or friction. Example 1/2, 3/2, 7/3 etc. इस तरह की कोई भी order of reaction possible हो सकती है.
ओडोरोफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है, फ्रिक्शनल वैल्यू हो सकती है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है। अब यहाँ से हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट्स कैसे निकालें रेट कॉन्स्टेंट की फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट्स निकालनी है रेट कॉन्स्टेंट की फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। जो डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन है उनके लिए यूनिट्स कैसे निकले रेट कॉन्स्टेंट। पहला कॉन्सेप्ट बच्चों हमारे पास आता है कि भाई हमें क्या किसी ने सर ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है और इसके लिए आप के की यूनिट्स बताओ। बच्चों हमने रेट क्लास रेट आर एट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर है तो रेस्ट पावर वन हो गया। रेट यूनिट फिक्स है हमेशा, पहले लेक्चर में बताया था मोल पर लीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन मोलरिटी मोल पर लीटर के दैट इज इक्वल टू सेकंड यूनिट्स। के की जो वैल्यू है यूनिट्स है वो आगे सेकंड यूनिट्स। कोई कह सर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट R that is equal to K into molar concentration of reactant raised to power 2, rate की यूनिट फिक्स है mole per liter per second, that is equal to K into mole per liter raised to power 2, molarity molar concentration है molarity, K की यूनिट निकालें mole per liter per second upon mole per liter into mole per liter, दो बार कैंसिल, K की यूनिट आ गई मोल पर गया मोल इनवर्स, लीटर सीधा हो गया सेकंड इनवर्स। कोई हमें कहे सर जीरो ऑर्डर के लिए निकालो आप, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर आर डेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू पावर जीरो, आर डेट इज इक्वल टू के, क्योंकि किसी की पावर जीरो वन होता है तो के की यूनिट्स वही आएगी जो रेट कॉन्स्टेंट यूनिट्स है मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। हमारे पास बच्चों हमने जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट्स देखी रेट कॉन्स्टेंट की। अब मैं इसको जनरलाइज करूं, यदि हम nth ऑर्डर के लिए निकालना चाहें nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता है और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट R इज इक्वल टू K इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R रेज़ टू पावर n, R मोल पर लीटर पर सेकंड, K इनटू मोल पर लीटर रेज़ टू पावर n, K दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल की पावर n लीटर की पावर माइनस। इसको सॉल्व करें ये 1 है मोल 1 माइनस एन, ऊपर गया माइनस लीटर, एन माइनस का ऊपर गया सीधा हो गया एन माइनस 1 और ये सेकंड यूनिट्स। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गई, लोग कहते हैं याद कर लो जो भी आए एन की वैल्यू, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है तो जो भी आए वो पुट कर दो, जैसे जीरो है तो जीरो पुट कर दो, ये आपके पास मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से इसको याद करने कोई बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि जिसका भी ऑर्डर पूछा जाए वही आप इसे कर सकते। ये बच्चों हमारे पास यूनिट्स थी रेट कॉन्स्टेंट की, इससे थोड़ा सा और आगे चले यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर देखे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ के ऊपर बेस्ड, रेट लॉ पढ़ रहे थे, रेट लॉ से हमारे को मिला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों केमिकल रिएक्शन की बात हो रही, केमिकल रिएक्शन को दो क्लासों में बताया, केमिकल रिएक्शन को हमने दो क्लासों में बांट दिया। पहली क्लास हमारे पास केमिकल रिएक्शन को दो क्लासों में बांटा, पहली क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन का सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, सेकंड क्लास में हमने कहा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सेकंड के अंदर हमने कहा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
पहली क्लास सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर सेकंड क्लास में था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जब हम सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन को देखेंगे, सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, तो हमारे पास सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात की, तो सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस द रिएक्शंस व्हिच गेट्स कंप्लीटेड इन व्हिच गेट्स कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में पूरे हो जाए, जो एक स्टेप में पूरे हो जाए, उन रिएक्शन को हम सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। पूछा जाता है कि सर सिंपल रिएक्शन के एग्जाम्पल बताइए, तो सिंपल रिएक्शन का एग्जाम्पल सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर्स, आइसोमर्स आइसोमेरिक रिएक्शन, सिस ट्रांस आइसोमेरिक रिएक्शन जो भी है वो सारे सिंपल रिएक्शन। दूसरा है कि हमसे कोई पूछा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पर्टिकुलरली SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्राइमरी SN2 रिएक्शन। दूसरा पूछा जाए, तीसरा और पूछा जाए तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो रिएक्शंस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, सोडियम एज़ाइड का डिकम्पोजिशन, बेरियम एज़ाइड का डिकम्पोजिशन, वो सारे सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। द रिएक्शंस व्हिच गेट्स कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, वो रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं, सिंपल रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल सिस ट्रांस आइसोमेरिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यदि मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द रिएक्शंस which get completed in more than one step, वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरे हो, जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरे हो, उन रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। यदि हमने देखे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, तो एक ऐसे रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप्स में पूरे हो, उन रिएक्शंस को हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। यदि मैं देखूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बच्चों सबसे आसान तरीका है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझाने के, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस द रिएक्शंस व्हिच गेट्स कंप्लीटेड इन सिंगल इन मोर देन वन स्टेप, इन मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप। समझाने के लिए आप लोगों को मैं कह सकता हूं कि बच्चों एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूं, जो पेन आप यूज कर रही हैं, उस पेन के आप सपोज करो दो पार्ट्स, एक उस पेन की बॉडी है और एक उस पेन की रिफिल, एक बॉडी है एक रिफिल है। हमारे पास दो फैक्ट्रियां, फैक्ट्री वन फैक्ट्री टू साथ साथ हैं, एक फैक्ट्री में बॉडी बन रही है, सेकंड फैक्ट्री में रिफिल बन रही है। हमने जब टाइम टी था, ये दो स्टेप की प्रोसेस होगी, दो स्टेप्स होने वाली प्रोसेस होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, एक से ज्यादा स्टेप में जो भी प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। हमने कहा कि ये फर्स्ट स्टेप फैक्ट्री है, सेकंड फैक्ट्री है, इस फर्स्ट फैक्ट्री में बॉडी बन रही थी, सेकंड फैक्ट्री में रिफिल बन रही थी। टाइम जीरो के ऊपर मैंने कहा स्टार्ट, दो मिनट में बॉडी बनी, तीन मिनट में रिफिल बन गई, दो मिनट में बॉडी बनी, तीन मिनट में रिफिल बन गई। क्वेश्चन है आपसे पूरा पेन कितने मिनट में बना, द टाइम रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पेन, फॉर्मेशन ऑफ पेन, पेन पूरा पेन बनने में कितना टाइम लगा, फर्स्ट ऑप्शन 5 मिनट्स, सेकंड ऑप्शन 2 मिनट्स, थर्ड ऑप्शन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स और फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बी प्रेडिक्टेड। अजय कुमार 5 मिनट, पूरा पैन कितने मिनट में बन जाएगा, 3 मिनट, क्यों बना 3 मिनट, ये बात है, 2 मिनट में बॉडी बढ़ी, 3 मिनट में रिफिल, दोनों काम साथ साथ चल रहे थे, ये प्रोसेस तेज हो रही थी, ये फास्ट प्रोसेस थी, ये धीरे हो रही थी, स्लो प्रोसेस थी, ये स्लो प्रोसेस थी। ध्यान रखना बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर जो एक से ज्यादा स्टेप में जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के अंदर जो स्लो स्टेप होता है
वो स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप पूरा पैन बनना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी तो जो धीरे स्टेप हुआ 3 मिनट में जो स्टेप हुआ उसमें पूरा प्रोसेस पूरी हो गई, यानी पूरा पैन 3 मिनट में बन गया। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो है उनके रेट डिपेंड करती है, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस डिपेंड्स स्लो स्टेप, द रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप, द रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप। कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस है उनकी रेट हमेशा ध्यान रखना स्लो स्टेप के ऊपर। आप कुछ क्वेश्चन करें, इसके क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक रिएक्शन है फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन रिएक्शन ए प्लस 3b converts into 2c obeys rate law r that is equal to k into molar concentration of a raised to power 1 by 2 into molar concentration of b raised to power 3 by 2. What is order of reaction? Pehla part hai, what is order of reaction, order of reaction. Second part, first part what is order of reaction? Second part also find units of rate constant, units of k. आपके पास rate law से reaction था, solution करने लगा मैं, तो आपके पास बच्चों rate law given है। rate law में हम पढ़ते थे r that is equal to k into molar concentration of a into molar concentration of b a raised to power alpha into b raised to power beta। यदि मैं इसको अल्फा प्लस बीटा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता था, यदि मैं इसको कंपेयर करूं, मैं इसको कंपेयर करूं अल्फा प्लस बीटा से, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास आ जाता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू ये अल्फा ये बीटा 1/2 प्लस 3/2 2 एलसीएम 1 + 3 4/2 डेट इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन आ गया, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के लिखेंगे, k की यूनिट्स लिख लें, r that is equal to k into molar concentration of r raised to power 2, rate units mole per liter per second that is equal to k into mole per liter, दो बार है तो into mole per liter, mole per liter से mole per liter, k that is equal to mole per liter, mole inverse liter second inverse। बताओ सोर क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन आया हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन और आया। यदि हम सेकंड क्वेश्चन को देखें कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आया एक रिएक्शन है फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी, फॉर रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट R that is equal to K into molar concentration of A raised to power 1 by 3 into B raised to power 2. What are the units of? Are the units of rate constant? What are the units of rate constant? Units of rate constant पूछी। जब units of rate constant निकालने को आई, तो solve करें इस question को, solve किया तो order of reaction निकाला, order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/3 बीटा 2 एलसीएम लिया 3 1 प्लस 3 इनटू 2 6 दैट इज 7/3 फ्रैक्शनल ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन के अंदर आ गया 7/3 7/3 यूनिट्स निकाल लीजिए कांस्टेंट की, कोई बात नहीं, कुछ भी आ रही नहीं, जरूरत भी नहीं। r दैट इज इक्वल टू k इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ r पावर कितनी 3/7/3 रेट यूनिट्स फिक्स है मोल पर लीटर पर सेकंड दैट इज इक्वल टू के इनटू मोल पर लीटर रेज टू पावर मोलर कंसंट्रेशन है 7/3 के दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल की पावर 7/3 लीटर की पावर -7/3 यदि इसको मैं सॉल्व करूं
तो k डेट इज इक्वल टू मोल यहाँ पर 1 है इसे हम बाय 3 वापस करो तो यार 1 माइनस 7 बाय 3 लीटर यहाँ पर माइनस में है माइनस की बोलो प्लस हो गया 7 बाय 3 माइनस 1 और ये सेकंड इनवर्स मोल की पावर 3 एल से 3 माइनस 7 लीटर 3 एलसीएम 7 माइनस 3 सेकंड इनवर्स मोल की पावर माइनस 4 बाय 3 लीटर की पावर 4 बाय 3 और ये आपके पास है सेकंड इनवर्स मोल की पावर माइनस 4 बाय 3 लीटर की पावर 4 बाय 3 और ये सेकंड इनवर्स ये बच्चों यूनिट्स की रेट कांस्टेंट की इससे आगे चले हम इससे भी हम थोड़ा सा और आगे चले तो हमारे पास हमने कहा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में पूरे होते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की जो रेट है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप के ऊपर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की रेट डिपेंड करती है यदि हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है मैं क्वेश्चन करूं यदि इसके ऊपर बेस्ड तो चलो इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे काफी बड़ा हो जाता है बोर हो जाते हैं पढ़ते-पढ़ते आप लोग तब तक के लिए पहला लेक्चर आपने देखा होगा उसके नोट्स जरूर तैयार करना सेकंड लेक्चर आपने देखा इसके भी नोट्स जरूर तैयार करना एक दिन जब पांच लेक्चर जब हो जाएंगे तो आप लोगों की सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे सारे प्रॉब्लम्स पूछेंगे वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे लेकिन मिशन अपना एक ही है शिक्षा सबके शिक्षा वो साधन जिससे किसी को भी उठाया जा सकता है घर हो परिवार हो समाज हो देश हो राष्ट्र हो ये लगातार पढ़ते रहे बढ़ते रहे आप पढ़ते रहोगे तो देश भी बढ़ता रहेगा तब के लिए बाय।